शादी से पहले लड़के सेक्स तो करना चाहते हैं बट शादी के बाद उनको जो पत्नी चाहिए वो चाहिए एकदम पवित्र, ऐसी डायलॉग बाजी वो स्टार्ट कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। एंड आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। एंड आज आपसे मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो इस चैनल को आज अनसब्सक्राइब कर देना, बट प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम लोगों को हमारी पहली शिक्षा हमेशा हमारे घर से मिलती है। एंड आज हमारी सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन है लड़के एंड लड़कियों के बीच में, ये कहीं ना कहीं हमने अपने घर से सीखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बचपन में हमारे पेरेंट्स हमारे लिए गिफ्ट लेकर आते थे तो लड़कियों के लिए लाते थे किचन सेट, बारबी डॉल, एंड लड़कों के लिए लाते थे गन, सुपरमैन के टॉयज़। यानी लड़कों को बता दिया जाता था कि आप स्ट्रांग हो, आपको रोना नहीं है लड़कियों की तरह, ये लाइन आपने काफ़ी बार सुनी होगी। एंड लड़कियों के लिए लाते थे किचन सेट, यानी उनके सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं कि तेरे को किचन संभालना है। अगर हम लोग बात करें रेप केसेस की, तो हम लोग लड़कियों को बोलते हैं कि घर में रहा करो, घर से बाहर कम निकला करो, रात को घर टाइम से वापस आ जाया करो, क्योंकि बाहर खतरा होता है। बट एक सर्वे की रिपोर्ट के दौरान ये पता लगा कि बाहर से ज़्यादा खतरा लड़कियों को घर के अंदर रहता है बाय देयर ओन रिलेटिव्स। यानी कि जो रेप केसेस होते हैं वो रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के द्वारा ज़्यादा किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अननोन पर्सन्स। ये एक फैक्ट है दोस्तों, एक सर्वे में ये पाया गया था। एंड रेप केसेस में हम लोग लड़कियों को ही ब्लेम करते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं इसलिए रेप होता है। अब इससे रिलेटेड भी मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। राजस्थान हम लोगों को पता है एक ऐसी जगह है जहाँ पे औरतें, यानी जो वहाँ की फीमेल्स हैं, वो घूंघट रखती हैं। बट रेप केसेस के मामले में एक सर्वे में ये पाया गया कि राजस्थान टॉप पर है। तो आप ये बोल नहीं सकते कि लड़कियां छोटी ड्रेसेस पहनती हैं इसलिए रेप होता है, क्योंकि राजस्थान में मोस्टली वुमेन घूंघट वगैरह करती हैं, तो रेप केसेस के तो चांस वहाँ पे ज़ीरो होने चाहिए अगर हम इस बात को मानते हैं। तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। एंड लड़के भी तो निक्कर वगैरह पहनते हैं, लड़कियाँ तो जाके उनको नहीं छेड़ती, उनके साथ बदतमीजी नहीं करती, फिर लड़के ऐसा क्यों करते हैं? हम लोग हर चीज़ में लड़कियों को ही ब्लेम क्यों करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, वर्जिनिटी। शादी से पहले लड़के सेक्स तो करना चाहते हैं बट शादी के बाद उनको जो पत्नी चाहिए वो चाहिए एकदम पवित्र, ऐसी डायलॉग बाजी वो स्टार्ट कर देंगे कि भाई हम तो शादी से पहले सेक्स करें बट जो उनकी बीबी है वो उनको बिल्कुल प्योर चाहिए, बिल्कुल पवित्र चाहिए, कि किसी ने उसको टच ना किया हो, ऐसी हवाबाजी करनी स्टार्ट कर देंगे। एंड अपने दोस्तों में जाके बोलेंगे, अरे भाई वर्जिनिटी लूज़ करी कि नहीं करी, अब तो हम यंग हो गए, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मतलब खुद सब करें बट बाद में ब्लेम सारा लड़कियों पे डालें कि भाई इसका तो करेक्टर ख़राब है, इसने तो शादी से पहले पता नहीं कितने लोगों के साथ किया होगा। अनशंड बातें करनी स्टार्ट कर देते हैं लड़कियों से रिलेटेड। अगर कोई लड़का नाइट आउट करता है अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब रात को पार्टी करता है दोस्तों के साथ, तो कोई उनको कुछ भी नहीं बोलता। बट यहीं पे अगर लड़कियां नाइट आउट कर ले अपने फ्रेंड्स के साथ, तो हमारी सोसाइटी उनको तुरंत जज करने के लिए पहुंच जाती है कि देखो इसका करेक्टर कैसा है, रात रात भर घूमती रहती है, पता नहीं कितनों के साथ चक्कर चल रहा है इसका। मतलब कुछ भी अंडशंड बातें करना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट अगर कोई लड़का ऑफिस से रात को देर से घर आता है तो सोसाइटी बोलती है कितना मेहनती लड़का है, देखो इतनी देर रात तक काम करता है, अपने परिवार के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। बट यहीं पे अगर लड़की ऑफिस से लेट घर आती है तो क्या बोलते हैं सोसाइटी वाले, कि जरूर इसका चक्कर अपने बॉस के साथ चल रहा होगा। मतलब ब्लेम हर बात पे लड़कियों को ही किया जाता है। मेरे को आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है कि लड़कियों का असली घर कौन सा होता है, क्योंकि बचपन से लड़कियों को एक बात सिखाई जाती है कि जब तू ससुराल जाएगी तो वही तेरा असली घर है। बट शादी के बाद जब लड़कियां ससुराल पहुंचती हैं तो लड़कियों से कहा जाता है कि तू तो दूसरे के घर से आई है, ये तेरा घर नहीं है। मायके में सिखाया गया कि तेरे को दूसरे के घर जाना है, एंड ससुराल से कि तू दूसरे के घर से आई है। मतलब इनको एज अ पराया धन ट्रीट किया जाता है। आपने ये शब्द सुना होगा कि सोसाइटी में हमारी लड़कियों को पराया धन कहा जाता है। हमारी गवर्नमेंट ने एक कानून बना रखा है जिसका नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट। एंड इस कानून के हिसाब से एक बाप की संपत्ति में जितना अधिकार एक बेटे का है उतना ही अधिकार एक बेटी का भी होता है। मतलब अगर बेटी चाहे तो इक्वली हिस्सा मांग सकती है प्रॉपर्टी में। बट मैं आप लोगों को एक चैलेंज देता हूँ कि आप अपनी मम्मी को बोलना कि नाना की प्रॉपर्टी में से जाकर हिस्सा मांगे, फिर देखना क्या होता है। पहली बात तो आपकी मम्मी इस बात पे एग्री ही नहीं करेंगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो हिस्सा मांगने जाएंगी तो उनका जो मायके का रिश्ता 1-2% बचा रहता है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा।
क्योंकि जो उनके सगे भाई हैं वही उनसे नाराज हो जाएंगे अगर उनकी बहन ने उनसे हिस्सा मांग लिया। ये 99% केसेस की बात कर रहा हूँ मैं, 1% एक्सेप्शन हो सकता है, बट 99% भाई बुरा मान जाएंगे। ये आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो यहाँ भी बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट में मेल जजेस बहुत ही ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू फीमेल जजेस। यही केस पार्लियामेंट का भी है। लोकसभा एंड राज्यसभा में फीमेल मेंबर्स बहुत ही कम हैं एंड मेल मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा हैं। इसका मतलब मेल मेंबर्स को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है एंड फीमेल मेंबर्स को अपॉर्चुनिटी कम दी जा रही है। एंड ये चीज़ भी लोगों से हजम नहीं हो रही, तभी तो वुमेन्स को सेक्सुअली हैरेस किया जाता है एट वर्क प्लेस। जी हाँ दोस्तों, जहाँ भी महिलाएं काम करती हैं उनके साथ बदतमीजी करी जाती है, उनको सेक्सुअली हैरेस किया जाता है। एंड बात करें अब इनकी सैलरी की, तो यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन है। सेम काम के लिए मेल मेंबर्स को ज़्यादा सैलरी मिलती है, फीमेल मेंबर्स को कम सैलरी मिलती है। फॉर एग्जांपल बॉलीवुड के एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, आपको पता है हीरो ज़्यादा चार्ज करता है फिल्म बनाने के एंड हीरोइंस को कम पैसे मिलते हैं उसी फिल्म में काम करने के। कई बार क्या होता है कि एक महिला ही दूसरी महिला को बदनाम करती है, मतलब खुद एक फीमेल हो के दूसरी फीमेल की डिसरिस्पेक्ट करती हैं। इस लाइन को मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके समझाता हूँ। आप लोगों को पता है कि हमारी इंडियन सोसाइटी में पड़ोस की अंटियों को सीसीटीवी कैमरा कहा जाता है, क्योंकि वो अपने घर से ज़्यादा दूसरों के घर पे नज़र रखती हैं कि इनकी बेटी कहाँ जा रही है, कितने बजे आ रही है, रात को कब आई, सुबह कब निकली, कितने लड़कों के साथ घूम रही है, मतलब पूरी जाँच पड़ताल करके रखती हैं। अपनी बेटी पर उनकी कोई नज़र नहीं रहती, बट पड़ोस की बेटी पर उनको पूरा निगरानी रखनी है कि भाई ये कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। एंड उसके बाद दूसरी कमेंट्री करेंगी कि देखो इस लड़की ने क्रॉप टॉप पहना है, इसकी तो कमर दिख रही है, 1 इंच का गैप है टॉप एंड जीन्स के बीच में, एंड वो खुद साड़ी पहन के बैठी हैं। साड़ी आपको पता है ब्लाउज के बीच में 5-7 इंच का गैप रहता है, और उसके 1 इंच के गैप को बकवास बोल रही हैं, उस पर कमेंट्री कर रही हैं। दूसरा एग्जांपल मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ। एक बार मैं गांव गया तो वहाँ पर मेरे को एक दादी मिली एंड वो मेरे से बोलती कि बेटा शहर की लड़कियाँ तो बड़ी बेशरम होती हैं। मैंने बोला ऐसा क्यों दादी, तो वो मेरे को कहती है कि वो घूंघट वगैरह कुछ रखती नहीं। मैंने बोला अच्छा, फिर मैंने बोला अच्छा आप बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं, तो मेरे से बोलती हैं कि मेरे तो 11 बच्चे हैं। तो मेरे को तो हंसी आई पहले, मैंने बोला दादी अगर आप इसे शर्म कहते हो तो इससे अच्छा तो शहर की बेशर्म लड़कियाँ ही ठीक हैं, कम से कम 1-2 पे रुक तो जाती हैं, जनसंख्या तो कंट्रोल में है। तो आप देख रहे हैं कि एक महिला ही दूसरी महिला को बदनाम कर रही हैं। जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल बता रहा हूँ ये जनरली हमारे रिश्तेदार बोलते हैं, जो घर में औरतें होती हैं ना, जेठानी देवरानी इस टाइप की, वो जनरली आपकी मम्मी को क्या सलाह देती हैं कि इतनी बड़ी हो गई कब तक इसको बैठा के रखोगे, भगाओ इसको शादी करके यहाँ से, मतलब ऐसे कुछ भी बोलते हैं, मुँह में जो आया बकना शुरू कर देते हैं। और यहाँ भी देखिए एक औरत ही दूसरी औरत को फालतू बोल रही है भगाओ इसको कब तक घर में बैठा के रखोगे, मतलब जो मुँह में आ रहा है बोलते चले जाओ, कोई भी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं है इनके। आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी कि दादी माँ को पोता चाहिए पोती नहीं चाहिए, उनको सिर्फ पोते से प्यार है पोती से प्यार नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पोता होता है वो घर का चिराग होता है, कुल दीपक होता है, वही तो उनके वंश को आगे बढ़ाता है। ये सब फालतू बकवास हो करते हैं। एंड जब तक पोता पैदा नहीं हो जाता, मतलब जब तक एक लड़का पैदा नहीं हो जाता, तब तक बहू को टॉर्चर किया जाता है, बहू को मारा जाता है, पीटा जाता है, मतलब हर एक जुल्म उस औरत पे किए जाते हैं। एंड आपने ये भी देखा होगा कि कई बार 6 बहनें होती हैं एक भाई होता है, तो रीज़न यही होता है कि वो बच्चे तब तक पैदा करती रहती है महिला की जब तक उनको बेटा नहीं हो जाता। आप आसपास में देखना अपने इलाके में, आपको पड़ोस में ही कहीं दिख जाएगा 6 बहनें 1 भाई 8 बहनें 1 भाई, वो रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि उनको क्या चाहिए, एक लड़का चाहिए जो कि उनके वंश को आगे बढ़ा सके। एंड ये बहुत ही गलत बात है। आप लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में भी सुना होगा, एक महिला के साथ घर के अंदर भी कई सारे अत्याचार किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक पति अपने पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है, उसको मारता पीटता है। एंड कोविड लॉकडाउन के टाइम पे हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ गए थे, कम होने के बजाय ये केसेस बढ़े हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही गलत बात है। आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे देश की बेटियों को पढ़ने लिखने में मदद करें एंड उनकी दिल से रिस्पेक्ट करें।
आप इतिहास खोल के देख लीजिए, जब जब हमारे देश की बेटियों को कुछ करने का मौका दिया गया है वो हमेशा पुरुष से आगे निकली हैं एंड हमारे देश का नाम रोशन किया है। भारत की नारी सब पर भारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड दोस्तों आज की वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर करना, आप लोगों का कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।